कहीं खोल रहे ताला तो कहीं बजा रहे घंटी, साफ सफाई से चमका रहे कमरे। ये चतुर्थ श्रेणी कार्मिक नहीं, हमारे नौनिहाल हैं। व्यवस्थाओं का डब्बा गोल, खुली सरकारी स्कूलों की पोल। जब किसी स्कूल का हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में पढ़ते हुए बच्चे और उन्हें पढ़ाते हुए शिक्षकों की एक छवि उभर कर सामने आती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी सरकारी स्कूलों में हालात इसके उल्टे हैं। बच्चे स्कूल का ताला खोलने से लेकर घंटी तक बजा रहे हैं, तो शिक्षक भी व्यवस्थाओं को देखते हुए खुद ही चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के कार्यों को करने में जुटे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए स्कूल खोल रही है, साथ ही पहले से संचालित स्कूलों को क्रमोन्नत करने में लगी हुई है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के रिक्त पद लंबे समय से नहीं भरे गए हैं और इसी कारण सारी अव्यवस्था हो रही है। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में कुल 64,553 राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन इनमें केवल 25,348 पद ही स्वीकृत हैं। हालात क्या हैं वो आप फैक्ट फाइल से समझिए। कुल स्कूल हैं 64,553, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत पद हैं महज 25,348 और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी हैं सिर्फ 6,649। रिक्त पदों की संख्या 18,699। कुल स्वीकृत पदों की तुलना में मात्र 26 पद भरे गए हैं। जमादार के स्वीकृत पद 456 हैं, कार्यरत 113 और रिक्त पद 343 हैं। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक नहीं होने का असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई कार्य बच्चे तो कई कार्य शिक्षकों को ही पूरे करने पड़ रहे हैं। स्कूल का ताला खोलना, स्कूल की साफ सफाई, कक्षा कक्षों की साफ सफाई, फर्नीचर की सफाई, कक्षा कक्षों में फर्नीचर को व्यवस्थित करना, कालांश के मुताबिक घंटी बजाना, पानी की टंकी की सफाई और स्कूल के कार्यालय आदेश स्टाफ को देने का काम आदि करने में भी स्कूल प्रशासन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सारा काम या तो शिक्षक करते हैं या फिर स्टूडेंट्स की मदद ली जाती है, जिससे व्यवस्थाओं का संचालन किया जा सके। राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नए पद स्वीकृत करने और पूर्व से स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्मिकों की भर्ती करवाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। उम्मीद है कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद आई आर्थिक तंगी और सरकारी स्कूलों के अच्छे प्रचार के चलते सरकारी स्कूलों में प्रवेश तो बढ़ गए हैं, पर व्यवस्थाओं को संभालना होगा। कहीं ऐसा ना हो हमारे नौनिहाल और शिक्षक भी व्यवस्थाओं का हवाला देकर अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पल्ला झाड़ने लगे। सरकार को देखना होगा, जो विश्वास प्रदेश के अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों पर किया है, कहीं उस विश्वास को ठेस ना पहुंच जाए। बिगड़ते हालात को समय रहते सुधारने में ही भलाई है, कहीं ऐसा ना हो हालात बद से बदतर हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।